आप इसके केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके एक मिनट और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अगर लोग गड़बड़ करेंगे तो रेड तो होगी, ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर गड़बड़ करते हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको रेड के खिलाफ कोई इम्यूनिटी मिलती है। दिल्ली में केजरीवाल जी के जो साथी थे कितने, 3 या 4 अंदर हैं जी, हा? और केजरीवाल जी कस्टडी में हैं, ये आए थे बदलाव लेने, बदलाव लाने के। जब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता था ये कहते थे ये पंजाब वाले प्रणाली चलाते हैं, जब आपकी सरकार बनी पंजाब में तब आपने क्या किया, तब किसको ब्लेम किया, कभी मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ हो जाती है, कभी इनकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो जाती है, और इन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। क्या कहा था उस समय, जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन बना रहे हैं, और किसके साथ मिले जाके, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है, अभी इनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, जैसे अनुराग जी कह रहे हाथ तो नहीं मिलाए गले मिल गए। और दूसरा सुनिए सुनिए, हम शराब के खिलाफ हैं, अरे शराब के खिलाफ भाई साहब, नवंबर 2023 से 9 बार समन आया केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसके केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े उनके एक मिनट और क्या किया, सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। रिंकू जी मैं आ रहा हूँ, मैं रिंकू जी मैं भी था वहां, तो रिंकू जी कांग्रेस पार्टी के थे, रिंकू जी ने बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ रिंकू जी ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, क्यों, वो सोचते थे कि अगर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पंजाब के चुनाव के पहले कि पंजाब में जो विकास की कमी है उसको पूरी करेंगे, तो रिंकू जी उस सोच में आए थे, जो कूड़े के ढेर हैं, सड़कों की स्थिति है, ये है बात मैडम 23 अप्रैल 2023 की, और 3-4 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसलिए क्यों आए, आप रिंकू जी का स्टेटमेंट ले लीजिए, मेरा नहीं लीजिए। सर देखिए देखिए, मैं कौन होता, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो आज इस हवन में मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं 7 सीट आएंगे, पंजाब में कई जगह रेड हो रही है। पहले राजनीति देखिए देखिए, अगर लोग गड़बड़ करेंगे तो रेड तो होगी, ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर गड़बड़ करते हैं और आप राजनीति में आ जाते हैं तो आपको रेड के खिलाफ कोई इम्यूनिटी मिलती है, यहाँ तो अच्छा। बाकी तो ऐसा है, आप उनसे पूछिए, ठीक है, आप दिल्ली में केजरीवाल जी के जो साथी थे कितने, 3 या 4 अंदर हैं जी, हाँ, और केजरीवाल जी कस्टडी में हैं, ये आए थे बदलाव लेने, बदलाव लाने के लिए। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।